हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हे सॉल्यूशन वीडियोस। आज मैं दिखाने वाला हूँ लक्सलिस, एक ब्रांड है जिसमें हम लोग केराटिन करने वाले हैं इन बालों पे। इनके बालों में ऑलरेडी मेहंदी लगा हुआ है, फिर भी हम केराटिन करके दिखाने वाले हैं और कलर भी करती हैं ये। मेहंदी लगे हुए काफ़ी देर हो गई है, 3 साल से ऊपर, बट अभी ये लोग कलर स्टार्ट कर रहे हैं, कलर किया हुआ है इन्होंने। तो हम कलर के ऊपर डैमेज ना हो, स्मूथनिंग ना करके हम इसमें केराटिन करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं आपका जो भी चीज़ है, एक चीज़ एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं लॉरियल के, और ये शैम्पू है जो हमने पहले यूज़ करना है। ये किसी भी ब्रांड का हो सकता है। मेन चीज़ क्या करना है, मैं यहाँ पे ये शैम्पू दो बार कर रहा हूँ ताकि सारे बालों में से जितना एक्स्ट्रा डर्ट है वो निकल जाए, जितना एक्स्ट्रा बालों में जितना भी प्रॉब्लम है, जितने भी डर्ट है, क्लीन करके अच्छे से बालों को। तो उसमें ये लक्सलिस का हम केराटिन यूज़ करने वाले हैं जो प्रोटेक्ट करता है बालों को। ओके, तो ये यूज़ करने वाले हैं। इसको हम सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई करेंगे। आप देखिए, इनके पहले हाइलाइट्स भी किए हमने। आफ्टर केराटिन ना तो आप हाइलाइट्स करते हैं ना ही स्मूथनिंग कर सकते हैं, इसमें ये पहले ही करना पड़ता है। और ये क्लाइंट को भी हमने बताया कि हमारा चैनल है तो वो हमारे चैनल को भी देख रही हैं, साथ साथ में उनको मज़ा आ रहा है, कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता तो यहाँ पे सब्सक्राइब के बाजू में JOIN ज्वाइन लिखा हुआ है, उसको ज्वाइन करना होता है वीडियो में ही। आप लोग वहाँ जाके हमें ज्वाइन भी कर सकते हो, जिनको हमसे क्लासेस लेनी है या कोई क्वेश्चंस क्लियर करने हैं। एवरी मंथ कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे करना रहता है, ज़्यादा नहीं है। तो ये हाइलाइट्स दिख रही हैं आपको जो अभी हमने की हैं। अभी हमने पूरा केराटिन अप्लाई कर दिया है, शैम्पू करने के बाद बालों को सुखा लिया था, प्रॉपर 100% ड्राई किया, ड्राई करने के बाद हमने बालों में केराटिन अप्लाई किया। ओके, केराटिन अप्लाई करके हम रखेंगे 30 से 40 मिनट तक, देन उसके बाद हम इसको करना शुरू कर देंगे ड्रायर। बट उस बीच में आप क्लाइंट से पूछिए चाय कॉफ़ी के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, ताकि वो बिज़ी रहे और अपने कुछ मैगज़ीन दे दीजिए, मैगज़ीन पढ़ सकती हैं वो। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं, तो वो फ्री टाइम में कुछ कर सके। वो टाइम बहुत बोरिंग होता है जब वो फ्री बैठना होता है उनको। ओके, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा नीचे अभी देख रहे हैं आप वीडियो में हेयर सॉल्यूशन लिखा आ रहा है, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, जाके फॉलो कर सकते हैं आप। और राइट साइड में ऊपर अभी नंबर आएगा, जिनको भी कोई डिटेल चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कोर्स करना है तो आप कॉल करिए मंडे टू फ्राइडे सुबह 12 से 5 के बीच में, प्लीज़। शाम को लेट नाइट, कुछ लोगों के रात को 12 बजे कॉल आ रहे हैं, कुछ मैं समटाइम्स मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दिया है नंबर देके यहाँ पे। और सामने मैं खड़ा हूँ, मैं सामने वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे अभी बालों को ड्राई किया जा रहा है, बालों को अच्छे से ड्राई कर लेंगे, जैसे ही बाल सूख जाएंगे एकदम से, उसके बाद हम इनको करेंगे आयरनिंग। बालों को अच्छे से सुखाना है, 100% सुखाना है। पहले मैं फिंगर ड्राई कर रहा हूँ, उसके बाद हम ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं इसमें ब्रश के साथ। ओके, ब्रश के साथ ड्रायर भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा सेकंड चैनल जिसका नाम है करंस लाइफ फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ जाएं फॉलो करें। वीडियो के राइट साइड में ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ, आई बना हुआ आ रहा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। इस तरीके से हम ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं, तो जितना मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, देन उसके बाद हमको आयरन करना है इसमें। ओके, अभी सेक्शन बाय सेक्शन पहले कर लेंगे ब्लो ड्राई, बाल जितने सूखे होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि एक तो आयरन खराब नहीं होगी हमारी और बाल भी बर्निंग जैसा वो नहीं लगेगा आपको। एकदम से बाल सुखा लें। और जिन लोगों को ये प्रोडक्ट ख़रीदना है, अगर तो यहाँ पे मैं बता रहा था, जैसे कि ये प्रोडक्ट अगर मुझे लिंक मिलता है ऑनलाइन तो मैं इसको लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं सम टाइम जो इंडिया में बनती हैं, जैसे कि ये ब्रांड आई थिंक इंडियन है, मुझे लगता है,
आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मैंने अभी पढ़ा नहीं है इसके ऊपर. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो इंडिया में नहीं मिलती हैं तो वो अमेजोन पे नहीं होती हैं. तो काफ़ी सारे लिंक मैं ढूंढता रहता हूँ, जैसे अभी स्मार्ट बॉन्ड है लॉरियल का, वो अमेजोन पे नहीं है तो नहीं मिल रहा है. तो इसलिए वो मिलता नहीं है तो मैं लिंक भी नहीं डाल सकता हूँ. तो ऐसी सारी चीज़ें हैं. अभी हम आयरन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इसका टेम्परेचर रखेंगे 180, 190 और 200, मैक्सिमम 200 तक. ओके, 200 तक टेम्परेचर रखेंगे, आयरन कर लेंगे अच्छे से, बालों को सुखा लेंगे. बालों को सुखाना बहुत ज़रूरी है, देन उसके बाद आयरन करना बहुत ज़रूरी है. आयरन अच्छे से करेंगे बाल, इससे 30-40% तक बाल स्ट्रेट भी होते हैं. एंड स्ट्रेट होने के साथ साथ बालों में मॉइस्चर भी आ जाता है. और मैं बता रहा था जिन लोगों ने अभी तक मेरा सेकंड चैनल करंस लाइफ करके है, जिसमें मैं व्लॉगिंग वीडियोस बनाता हूँ, जहाँ भी घूमने जाता हूँ उस चीज़ की वीडियो डालता हूँ, आप जाएँ उसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं सारी जो भी नई नई जगहें देखता हूँ उसके बारे में एक्सप्लोर करता हूँ. काफ़ी सारी वीडियोज़ उसमें डालना बाकी है बिकॉज़ टाइम की कमी की वजह से, और यहाँ भी बहुत कंटिन्यूसली मैं नहीं आ पाता हूँ, वीडियो ज़्यादा बैक टू बैक नहीं डाल पाता हूँ. बट जब भी टाइम मिलता है मैं कुछ भी नया शूट करता हूँ, तो मेरे को रहता है कि आप लोगों को बताया जाए, इसलिए कुछ ना कुछ नया इसमें ऐड करता रहता हूँ. तो कैराटीन, आई डोंट थिंक अभी किसी की कोई प्रॉब्लम रही होगी कैराटीन में. ये ब्रांड जो मैंने बताया लक्स लिस, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, उसका 1 लीटर आता है 14,000 का, 1/2 लीटर आता है 7,000 का, और एकदम सबसे छोटा पैकिंग है, आई थिंक 100 ml है, वो आता है 2100 रुपये का, 2100 या 2200, मतलब 2200 रुपीज़ का. तो आप वो भी खरीद सकते हैं, छोटा पैकिंग भी खरीद सकते हैं. अभी ये एक बेनिफिट है आपके लिए, बट उसमें क्वांटिटी कम आ रहा है, पैसा कम है तो क्वांटिटी भी काफ़ी कम है. तो आई थिंक पैसे के हिसाब से वो वर्थ इट नहीं है. अगर आप क्लाइंट्स कर रहे हो तो बड़ा पैकिंग लीजिए, अगर आपके पास एक आधा क्लाइंट है तो छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये इसका फाइनल रिजल्ट, मतलब आफ्टर कैराटीन. ओके, ये मत समझिएगा कि आफ्टर वॉश, वॉश के बाद का मैं रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, ये नहीं है. ये आफ्टर कैराटीन बाल जो स्टिकी स्टिकी थोड़े से रहते हैं, आपको 24 घंटे तक खुले छोड़ने पड़ते हैं बाल, ये वो हैं. इनको बाल ऐसे ही रखने हैं, 24 घंटे के बाद हम वॉश करेंगे, नेक्स्ट डे बुलाएंगे. तो ये वीडियो में इतना ही दिखाने वाला था आज का, आज के लिए इतना ही. फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. ये हाइलाइट्स आप देख रहे हो कैसी दिख रही हैं, हमने हाइलाइट्स किया देन उसमें कैराटीन किया. थैंक यू सो मच. ये हमारा इंस्टाग्राम है, जाए फॉलो करें. बाय बाय.